प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, राहु और केतु होंगे मेहरबान, इन पांच राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। और ये कितने भाग्यशाली रहते हैं और कितने नहीं। राहु और केतु ग्रहों में सबसे पापी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यह व्यक्ति की राशि में प्रवेश कर ले तो उन्हें परेशान करने लगते हैं। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, उसको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। परंतु आपको बता दें कि राहु और केतु मेहरबान होने वाले हैं, जिसकी वजह से ऐसी पांच राशियां जिन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है और उनके सारे काम होने की संभावनाएं बन रही हैं, और यह बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। कहने का मतलब कि ये जिसकी राशि में प्रवेश करते हैं उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं, परंतु अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो उनके सारे दुखों को, कष्टों को हर भी लेते हैं। तो चलिए, वो कौन सी पांच राशियां हैं, आज हम उनकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहली राशि, आप वीडियो स्क्रीन पर मेष देख रहे हो। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु और केतु महाराज मेहरबान होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में तमाम परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति व्यापारी हैं वे अपने व्यापार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेंगे। इस राशि वाले व्यक्तियों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, सभी परेशानियां दूर होंगी, पारिवारिक कलह दूर होगा। केतु आपके सभी कष्टों का निवारण जो है वो करने लगेगा और सारे आपके कार्य हैं वो बनेंगे, अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। अगली राशि वृषभ है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु केतु प्रश्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ है तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा राहु और केतु की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। समाज में आपकी एक अलग पहचान जो है वो बनेगी, कार्य सफल होंगे। स्वास्थ्य वृषभ राशि के जातकों का अनुकूल रहेगा, उत्तम रहेगा। जो सोच रखा था उसका समय अब निकट आ गया है उसे पूरा करने का। अगली राशि कन्या है। कन्या राशि के जातकों के ऊपर राहु और केतु महाराज की कृपा दृष्टि की वजह से आपके द्वारा की गई कोशिश से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में तेजी से सफलता हासिल करेंगे। विशेष तौर पर जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है उनको अपार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्यार के मामले में आप तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। जीवन में खुशहाली आएगी, परंतु आप किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें, हानि का सामना करना पड़ सकता है। बाकी सब मंगल है, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगली लकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर राहु केतु की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी में और शिक्षा में किए गए प्रयास सफल होंगे। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आने वाला समय आपके लिए शुभ रहेगा, परंतु आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ आपके अनुकूल होगा, हर कार्य में आपको सफलताएँ मिलेंगी। व्यक्ति विदेश में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें अपार सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, और साथ में आपका भी विदेश जाने का योग बन रहा है। जीवनसाथी से या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट जो है वो दूर होगी, सब कुछ मंगलीय मंगल होगा। वृश्चिक राशि जातकों के लिए यह समय उत्तम व अनुकूल रहेगा। अंतिम राशि की बात करते हैं तो वो मकर है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर राहु केतु महाराज की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जिसकी वजह से अपने जीवन में नई सफलताएं प्राप्त करेंगे। आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ेगी। परंतु आपको अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ना होगा जो गलत कार्य कर रहे हैं, मदिरापान करते हैं, अन्यथा आप मान सम्मान को ठेस लग सकती है। परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय आप थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बाकी सब ठीक है, सब कुछ आपके अनुकूल है, सब कुछ आपके अनुकूल में रहेगा, सब मंगल ही मंगल है। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी है, जैसे विवाह को लेकर है, व्यापार में लाभ को लेकर है, नौकरी में तरक्की को लेकर है, भाग्य रत्न को लेकर है, अंक को लेकर है, कुंडली को लेकर है, ग्रह क्लेश से परेशान है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप स्वामी जी से सीधे भी बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अलावा अबाउट सेक्शन से भी नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो।